वेलकम बैक, दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ आवर सबस्टेशन सीरीज। और आज हम देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सर्किट ब्रेकर में हम देखेंगे कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कौन कौन से यूज़ होते हैं। फिर हम देखेंगे कि सिंगल ब्रेक और डबल ब्रेक सर्किट ब्रेकर में क्या फ़र्क होता है, व्हाई कैपेसिटर्स आर यूज्ड, कैपेसिटर्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर, और आर्क क्यों पैदा होती है जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है तो आर्क पैदा होती है, और इस आर्क को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। सर्किट ब्रेकर की कौन कौन सी टाइप्स हैं ये भी हम देखेंगे। हर टाइप को अलग अलग हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नेम प्लेट डाटा क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा अहम है, और ये वो डाटा होता है जो कि मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री के अंदर टेस्ट करता है, और ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो नेम प्लेट पर लिखी होती हैं। इन वैल्यूज़ पर इस सर्किट ब्रेकर को टेस्ट किया जाता है। ये बहुत ही अहम चीज़ है। और उसके बाद है टेस्ट परफॉर्म्ड, यानी कि जब सबस्टेशन के अंदर सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद कमिशनिंग से पहले कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं, और रूटीन में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म होते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर क्योंकि बेसिकली एक अनलोड एक डिवाइस है, जब हमारे सिस्टम के साथ लोड कनेक्टेड होता है तो उस टाइम पे हम इसको ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। इसके दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है। नॉर्मली जब हमारा सर्किट ब्रेकर क्लोज होता है तो उस टाइम पर ये मूविंग और फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स आपस में मिले होते हैं, ठीक है। तो जब दूसरी कंडीशन ये है कि जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो उस सूरत में क्या होता है कि जो फिक्स कॉन्टैक्ट है वो तो अपनी जगह पे ही रहता है, जबकि मूविंग कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं वो अपनी जगह से मूव करके इस साइड पे आ चुका है। यानी ये जो बीच में ये गैप हुआ है इसकी वजह से सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये तो हो गई एक सिंपल सी इसकी सर्किट ब्रेकर के का एक ओवरव्यू। अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है। जब आपने देखा कि मूविंग कॉन्टैक्ट अपनी जगह से यहाँ मूव हुआ है तो ज़ाहिर है आपके जहन में एक सवाल भी पैदा होगा हुआ होगा कि ऐसा क्या होता है, एक ऐसा क्या मैकेनिज़्म हम यूज़ करते हैं कि ये अपनी असल जगह छोड़ के यहाँ पे आ जाता है, और एक बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बहुत ही कम टाइम में, जो कि नॉर्मली 20 मिली सेकेंड के बहुत ही मिनिमम टाइम में ये अपनी जगह को छोड़ता है और ये सर्किट को ब्रेक करवाता है। ज़ाहिर है एक प्रॉपर मैकेनिज्म यूज़ होता होगा इसको मूव करवाने के लिए। तो वो मैकेनिज्म जो है दो तरह के होते हैं। नंबर वन पे है हमारे पास स्प्रिंग चार्ज सिस्टम, और नंबर टू है हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, अगर स्प्रिंग चार्ज की बात की जाए तो इसमें दो स्प्रिंग होते हैं, एक मूविंग कॉन्टैक्ट के लिए होता है, सॉरी एक ओपनिंग के लिए यूज़ होता है और एक क्लोजिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। यानी जब हमारा सर्किट ब्रेकर क्लोज है, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट आपस में मिले हुए हैं, तो उस टाइम पे क्योंकि नेक्स्ट जो एक्शन है वो क्लोजिंग के बाद ओपनिंग का एक्शन होता है, ठीक है। यानी जब सर्किट ब्रेकर क्लोज होगा तो उसके बाद सर्किट ब्रेकर ने जाहिर है कि ओपन ही होना है, तो इस टाइम पे ओपनिंग वाला जो स्प्रिंग होगा वो चार्ज हो चुका होगा, यानी कि चार्ज से मुराद ये है कि वो कंप्रेस हो चुका होगा और अपने अंदर वो एनर्जी स्टोर कर चुका होगा, और वो इसको ओपनिंग करने के लिए फैसिलिटेट करेगा। जब सर्किट ब्रेकर ओपन हो चुका होगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन एक्शन जो है हमारा वो अब क्लोजिंग का है, ओपनिंग के बाद क्लोजिंग ही होती है, तो क्लोजिंग वाला इस पॉइंट पे जो स्प्रिंग होगा वो चार्ज हो चुका होगा और वो क्लोजिंग करवाएगा। इस तरह से तो ये स्प्रिंग चार्ज मैकेनिज्म काम करता है। अब बात आ गई हाइड्रोलिक सिस्टम की। हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है कि एक हाइड्रोलिक मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, उसको कंप्रेस किया जाता है, मोटर लगी होती है जो कि ये प्रेशर बिल्टअप कर रही होती है और हाइड्रोलिक सिस्टम को चला रही होती है। स्प्रिंग चार्ज में भी मोटर होती है जो स्प्रिंग को चार्ज करवाती है, और हाइड्रोलिक सिस्टम में भी मोटर यूज़ होती है। अगर आप यहाँ पे हैं तो ये एक प्रॉपर सिस्टम लगा हुआ है हमारा, तो ये वो कनेक्टिंग रॉड है, बेसिकली यही वो रॉड है जो इस मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव करवा रहा है, ठीक है। और ये नीचे से आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसके साथ एक मोटर लगी हुई है, और ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है इस रॉड को जब नीचे डाउनवर्ड मूव करवाएगा तो हमारा ब्रेकर कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, यानी मूविंग कॉन्टैक्ट मूव्स अपार्ट फ्रॉम द फिक्स कॉन्टैक्ट और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। लेकिन ये मूविंग कॉन्टैक्ट जब ऊपर को मूव करेगा तो उस टाइम पे हमारा सर्किट ब्रेकर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया, ये बेसिकली 500 kV का सेटअप है,
और उसके बाद अगर आप देख सकते हैं ये स्टील स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये हाइड्रोलिक मैकेनिज्म या स्प्रिंग चार्ज मैकेनिज्म लगा होता है। और ये जो है ये आप देख सकते हैं ये कॉलम, ये बेसिकली बुशिंग्स होती हैं और सिरेमिक्स की बनी होती हैं जो कि इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे कि सिंगल ब्रेक और डबल ब्रेक में क्या फ़र्क है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेटअप जो है इसमें एक फिक्स कॉन्टैक्ट है और एक ही मूविंग कॉन्टैक्ट है, तो ये सिंगल ब्रेक है यानी इसमें सिर्फ एक ही ब्रेक पॉइंट है। ठीक है, तो मूविंग टू द डबल ब्रेक सिस्टम उसमें हम देखेंगे उसमें दो फिक्स कॉन्टैक्ट और दो ही मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक कॉन्टैक्ट हो गया और इसके साथ ही एक और कॉन्टैक्ट होगा इस तरह से। इसको हम मूविंग कॉन्टैक्ट कह देते हैं और इसको हम फिक्स कॉन्टैक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो जब हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन होगा एट द सेम टाइम ये दोनों मूविंग कॉन्टैक्ट मूव कर रहे होंगे। सॉरी, इसको हम चेंज कर देते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो अरेंजमेंट होगा जो आउटर साइड पे हम रख रहे हैं वो दोनों हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट होंगे और जो इनर साइड पे होंगे दोनों फिक्स कॉन्टैक्ट होंगे। ठीक है, तो जब हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन होगा तो यहाँ से जैसे आपने देखा ये हो गया हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट और ये हो गया फिक्स कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे ये फिक्स हो गया और ये मूविंग हो गया और ये स्टेट हमारी जो है ओपनिंग स्टेट है डबल ब्रेक सर्किट ब्रेकर की। तो इसने अपनी जगह छोड़ी, सेम यही अरेंजमेंट इस साइड पे होगा। बहरहाल आपको समझ उम्मीद आ चुकी होगी। तो जैसे ही मतलब कि डबल ब्रेक सिस्टम में हम उसको ओपनिंग करते हैं तो दोनों मूविंग कॉन्टैक्ट एक ये इस साइड पे मूव करेगा और ये वाला इस साइड पे मूव करेगा और बीच में जो है ब्रेक पैदा होगा और इस तरह से। और मकसद क्या है डबल ब्रेक और सिंगल ब्रेक में, अब फ़र्क क्या है? जो सिंगल ब्रेक है वो 220 kV या उससे जो लेस वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर होते हैं उसमें सिंगल ब्रेक सिस्टम होता है, जो कि हमने पहले देखा था सिर्फ एक ही ब्रेक होगा उसमें। लेकिन जब हम 220 केवी से 500 केवी पे मूव करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डबल ब्रेक सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। 500 केवी में डबल ब्रेक होते हैं और कहीं पे ट्रिपल ब्रेक भी यूज़ होते हैं। ट्रिपल ब्रेक कहाँ पे यूज़ होते हैं, जहाँ पे 750 केवी सर्किट ब्रेकर होंगे वहाँ पे ट्रिपल ब्रेक होगा। और फोर ब्रेक भी लगे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल है, एक ट्रिपल यहाँ पे होगा और फोर यहाँ पे होगा। तो मकसद क्या है इनका, सिंगल ब्रेक, डबल ब्रेक, ट्रिपल या फोर ब्रेक में फ़र्क क्या है और मकसद क्या है इनका, वो अब आपको यहाँ पे समझ आएगा जब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर को कि कैपेसिटर क्यों यूज़ होते हैं। बेसिकली कैपेसिटर की अरेंजमेंट जो होती है वो इस तरह से होती है, कैपेसिटर सिंगल ब्रेक सिस्टम के अंदर यूज़ नहीं होते। जहाँ पे डबल ब्रेक, ट्रिपल ब्रेक या फोर ब्रेक होंगे वहाँ पे ही कैपेसिटर यूज़ होते हैं, यानी कि 220 जो अरेंजमेंट होता है 220 के सर्किट ब्रेकर होते हैं उनमें ये कैपेसिटर यूज़ नहीं होते। तो एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा होगा हर ब्रेक के पैरेलल में। ठीक है, अब ये कैपेसिटर जो है बेसिकली इनका पर्पज़ ये है कि हर ब्रेक के अगेंस्ट ये वोल्टेज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि अगर क्योंकि हमारा 500 केवी सिस्टम है जिसके अंदर डबल ब्रेक सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, हर ब्रेक के अगेंस्ट 500 का हाफ 250 केवी है, 250 केवी यहाँ पे आ जाएंगे और 250 केवी का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी इसका जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं और इसका इफ़ेक्ट जो है वो डिवाइड हो जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये है कि हमारे जो हम अपने सर्किट ब्रेकर की रेटिंग को बढ़ा सकते हैं। यानी हम 220 से 500 केवी की तरफ जब मूव करते हैं तो हमने सिंपली डबल ब्रेक सिस्टम लगा के इंपैक्ट हर ब्रेक के ऊपर वही 220 का ही रखा हुआ है और
हम अपने इस सर्किट ब्रेकर की रेटिंग को बढ़ा लेते हैं। इसी तरह 750 केवी के जो सर्किट ब्रेकर होंगे उनमें हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे ट्रिपल ब्रेक लगाएंगे और उसके अगेंस्ट भी एक सर्किट एक कैपेसिटर लगा होगा। तो इस तरह से वो, अभी तो ये डबल थे तो दो पे डिवाइड हो रहे थे, तो उस टाइम पे तीन पे डिवाइड होके फिर भी इम्पैक्ट जो है वो यही आ रहा होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि 220 केवी में 6 बार SF6 गैस का प्रेशर यूज़ होता है और 500 केवी में भी 6 बार SF6 गैस का प्रेशर यूज़ होता है अगर SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ हो रहे हो। तो उसकी वजह भी यही है क्योंकि ये ओवरऑल हर ब्रेक के अगेंस्ट जो इम्पैक्ट है वो 250 नियर अबाउट 220 केवी है। तो जो जो इसका इम्पैक्ट है वो इसके करीब करीब है, तो प्रेशर भी यही इस्तेमाल ही होगा। ओके, तो हमने देखा कि सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म भी हमने देख लिया, सिंगल ब्रेक और डबल ब्रेक में क्यों का क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पे और क्यों यूज़ होते हैं, कैपेसिटर का क्या पर्पज़ है ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि आर्क क्यों पैदा होती है सर्किट ब्रेकर जब ऑपरेट करते हैं। तो आर्क पैदा होने की जो एक मेन रीज़न है वो ये है कि जब ये कॉन्टैक्ट्स मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये एक मूविंग कॉन्टैक्ट है, जब मूविंग कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो ये अपनी जगह से मूव करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है इन दोनों कॉन्टैक्ट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो गैप है यहाँ पर आर्क पैदा होती है, ठीक है। तो इस आर्क की वजह से जो यहाँ पे मीडियम होता है एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है, आयोनाइज होने की सूरत में यहाँ पे आइंस पैदा हो जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आइंस होते हैं। तो वो क्या करते हैं इस आर्क को पाथ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये जो आर्क है ये ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि इसको पाथ मिल चुका होता है तो ये ज़्यादा टाइम तक ये एग्जिस्ट करती है। जब तक ये आर्क यहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो उस टाइम तक जो हमारा सिस्टम है, जो आप सपोज फॉल्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं, तो वो फॉल्ट जब तक ये आर्क क्लियर नहीं होगी तो वो फॉल्ट भी आपका क्लियर नहीं होगा, यानी वो एग्जिस्ट कर रहा होगा और इस तरह से हमारा सर्किट ब्रेकर जो है उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और इस आर्क की वजह से ये जो कॉन्टैक्ट हैं इनके बर्न होने का भी खतरा होता है। तो इस आर्क को आप देखेंगे कि किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए दो तरीक़ेकार हैं, या तो हम इस मूविंग कॉन्टैक्ट को इतना दूर ले जाएं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का इफ़ेक्ट है वो कैंसिल हो जाए और ये आर्क पैदा ना हो। ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट को दूर ले जाने, ज़्यादा फासले तक ले जाने वाली बात है, ये प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि इसको हम एक हद तक ही दूर ले जा सकते हैं, ज़्यादा दूर ले जा नहीं सकते। तो दूसरा तरीक़ाकार क्या है, ये तो हो गया, ये मेथड तो हो गया यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब हम दूसरा तरीक़ाकार देखेंगे, वो ये है कि किसी तरह से हम इस आर्क को, ये जो आर्क है इसको ठंडा कर दें, ठीक है। जब ये आर्क ठंडी होगी तो जाहिर है जो यहाँ पे एयर थी वो उसके आइंस पैदा नहीं होंगे और वो आइंस इसको पाथ प्रोवाइड नहीं करेगी, तो क्या होगा, तो उस टाइम पे हमें पता है कि ये हमारे पास एक साइन वेव इस तरह से होती है, पॉजिटिव साइकिल होता है और एक नेगेटिव साइकिल होता है। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पॉजिटिव साइकिल हमारा एंड होता है और नेगेटिव स्टार्ट होने लगता है, तो वहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर करंट ज़ीरो होता है। जब आइंस नहीं थे उस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही करंट यहाँ पे ज़ीरो होगा, क्योंकि ये जो करंट है इस पॉइंट पे ज़ीरो होगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये आर्क जो है पैदा नहीं हो सकेगी, क्योंकि अब यहाँ पे इसको मीडियम तो मिल नहीं रहा था, जैसे ही आर्क ख़त्म हुई यहाँ पे तो उसके बाद ये जैसे ही नेगेटिव साइकिल शुरू होगा तो वहाँ पे ये मतलब ख़त्म हो जाए, आर्क ख़त्म हो चुकी होगी और हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो कम्प्लीटली सर्किट को ब्रेक कर चुका होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से आर्क पैदा होती है, उसकी वजह हमने देखी और उसके बाद फिर हमने देखा कि कौन कौन से मेथड हैं इस आर्क को ख़त्म करने के लिए, वो भी हमने देख लिए। तो अब सर्किट ब्रेकर्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, क्योंकि इस आर्क को ठंडा करने के लिए जो मीडियम यूज़ होते हैं उन मीडियम की बेस पे ही अब सर्किट ब्रेकर के नाम डिसाइड होते हैं, इनकी कैटेगरीज, यानी कि इस आर्क को ठंडा करने के लिए जो मीडियम हम यूज़ करते हैं उनमें सबसे पहले तो ऑयल यूज़ करते हैं, इसीलिए हम एक हमारे पास एक कैटेगरी सर्किट ब्रेकर की होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे जो हम यूज़ करते हैं वो एयर ब्लास्ट
हम यूज़ करते हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कैटेगरी आ गई हमारे पास। नंबर 3 पे हम वैक्यूम को यूज़ करते हैं, तो वैक्यूम की एक कैटेगरी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आ गया। और नंबर 4 पे हम SF6 गैस यूज़ करते हैं, और SF6 सर्किट ब्रेकर की एक कैटेगरी हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये तो सर्किट ब्रेकर की कैटेगरीज आपने देख ली कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब हम देखेंगे कि ऑयल सर्किट ब्रेकर किस तरह से काम करता है, ऑयल किस तरह से आर्क को ठंडा करता है और आर्क क्विंचिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल जो है बेसिकली, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर्स के अंदर भी ऑयल जो है वो कूलिंग और इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मूविंग कॉन्टैक्ट, ये मूविंग सपोज कर लें, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, इन दोनों इसके इनके दोनों साइडों पे ऑयल होता है। जैसे ही कॉन्टैक्ट मूव करते हैं तो एक आर्क पैदा होती है, और उस आर्क की वजह से ये जो ऑयल है, ये थोड़ा सा ऑयल जो है गैसेस में कन्वर्ट होता है। गैस कौन सी पैदा होती है? हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। और वो कितनी पैदा होती है? अगर सपोज कर लें कि ये इतनी सी जगह पे जो ऑयल था वो आयनाइज हुआ, गैसेस में कन्वर्ट हुआ, तो उसके बदले में जो गैसेस पैदा होती हैं, जो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, वो इसके 1000 टाइम हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। ठीक है, तो ये जो 1000 टाइम का इंक्रीमेंट वहाँ उस एरिया में एक गैसेस पैदा होती हैं, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा गैस पैदा होगी। और ये जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस, वो इस ऑयल को रिपेल कर देती है यहाँ से, और इस आर्क को, यहाँ पे जो आर्क पैदा हुई थी उसको ठंडा कर देती है। और दूसरा क्या करती है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे टर्बुलेंस पैदा कर देती है, ये जो ऑयल होता है इसको मूव करवाती है, और इन इसकी जो एक मूवमेंट होती है उसकी वजह से अगर कोई जो आइंस पैदा हुए भी हैं तो वो रिपेल हो जाते हैं, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से जो यहाँ पे आर्क पैदा हुई है उसको पाथ प्रोवाइड नहीं होता। और जैसे ही हमारा साइकिल पॉजिटिव से नेगेटिव को जाने लगता है, करंट यहाँ पे ज़ीरो होता है, तो हमारी जो आर्क है, यहाँ पे आर्क पैदा हुई थी वो ख़त्म हो जाती है, और नेगेटिव साइकिल में आर्क बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये तो हो गया ऑयल सर्किट ब्रेकर। लेकिन ऑयल सर्किट ब्रेकर में एक और चीज़ है, यहाँ इसके थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट ये है कि क्योंकि ऑयल के अंदर गैसेस पैदा होती हैं, और ये गैसेस जो होती हैं ये उस ऑयल को ख़राब कर देती हैं, यानी एक लंबे अरसे तक अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस है और दूसरी डिफरेंट जो थोड़ी बहुत गैसेस पैदा होती हैं वो इस ऑयल को ख़राब कर देती हैं, तो हमें रेगुलरली इस ऑयल को चेंज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो और इसकी एक रूटीन चेकअप भी देखना पड़ता है कि आया कि ये ना हो कि हमारा ऑयल ख़राब हो चुका हो और हम उसको यूज़ कर रहे हों और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये ऑयल सर्किट ब्रेकर को आपने देख लिया। अब हम देखेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, ये दोबारा से हमने वही कांटेक्ट बना दिए, ये फिक्स कांटेक्ट है और ये मूविंग कांटेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से एयर, जैसे ही सर्किट ब्रेकर ओपन होता है, मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करता है, तो यहाँ से बहुत ही तेज़ी के साथ, हाई प्रेशर के साथ हम एयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे ही यहाँ पे एयर आई, और एयर ने क्या करना है कि इस यहाँ पे जो आर्क पैदा हो रही थी, उस आर्क की वजह से जो आइंस जो पैदा हुए थे उनको ये रिपेल करती है, यानी कि ये जो बीच में ये जो मीडियम है यहाँ से दूर ले जाती है, और जिसकी वजह से इस आर्क को मीडियम नहीं मिल पाता, क्योंकि आइंस इस आर्क को मीडियम प्रोवाइड करते हैं और ये आर्क ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे ही ये आइंस यहाँ से मूव हो गए तो उस टाइम पे, और ये जो प्रोसेस है फिर अगेन वही चीज़ है, पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है
नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होने से पहले पहले जैसे ही करंट ज़ीरो होता है तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, आयंस रिपेल हो चुके होते हैं और जो आर्क है वो नेगेटिव साइकिल में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गई एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। उसके बाद थर्ड जो टाइप है वो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जैसे कि उसका नाम बता रहे हैं, तो ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं इनके दरमियान में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जो कि 10^-7 to 10^-5 टॉर्क का प्रेशर होता है। ठीक है, तो क्योंकि देखें यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, जैसे ही आर्क पैदा हुई वहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई आयंस पैदा नहीं होंगे। जैसे जब आयंस पैदा नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पे आके हमारा जो है ये आर्क ख़त्म हो जाएगी इस पॉइंट पे, और दोबारा ये नेगेटिव साइकिल में ये आर्क जो है दोबारा से पैदा नहीं हो सकेगी, और इस तरह से जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो काम कर रहा होता है। वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, वैक्यूम जो है वो एयर को, हर चीज़ को, तमाम गैसेस को निकाल देता है। मीडियम ही जब नहीं मिलता इस आर को तो फिर ये एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है SF6 सर्किट ब्रेकर। तो SF6 एक बहुत ही ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो टाइप है वो SF6 सर्किट ब्रेकर की है। तो ये क्या करती है, ये भी कूलिंग प्रोवाइड करती है मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट के दरमियान में, और ये जो आयंस पैदा होते हैं उनको अपने अंदर जज्ब कर लेती है, और जिसकी वजह से ये जो आर्क होती है उसको मीडियम प्रोवाइड नहीं होता, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल के शुरू होने से पहले ही आर्क ख़त्म हो जाती है। SF6 सर्किट ब्रेकर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सर्किट ब्रेकर हैं, और 500 kV में मोस्टली यही टाइप यूज़ हो रही होती है। तो ये हमने तमाम कैटेगरीज, तमाम इनकी टाइप्स हमने सर्किट ब्रेकर्स की हमने देखी। यहाँ पे हमने देखा कि ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं, और SF6 सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि नेम प्लेट डाटा क्या होता है और टेस्ट परफॉर्म कौन कौन से होते हैं सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर।